टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में आप सब देखने वाले हैं, होने वाला है एक और हाई वोल्टेज ड्रामा राजवंश सदन में। दरअसल होगा कुछ यूं कि केतकी की सारी फंक्शंस को जल्दी करने के लिए वरुण ने मिस्टर अबीर को मना ही लिया है और अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही गोरधाने की रस्म को पूरा करने के लिए वरुण अपनी फैमिली के साथ उसके घर पर पहुँचेगा, वहाँ पर होगा बहुत ही बड़ा तमाशा जहाँ मिस्टी से हो जाएगी एक छोटी सी भूल और उस पर वरुण की माँ मिस्टी को घर के सामने सुनाती हुई आएंगी नजर। पर खबरों की माने तो होगा कुछ यूं कि इस घर से जिस तरीके से मिस्टी का बिहेवियर चल रहा है उसे देखकर वरुण की माँ उसे कहा सुनी करना शुरू हो जाएंगी और कहेंगी कि जिस घर से ये आई है, जिस परिवार से ये आई है, वो खुद टूटा हुआ है, इसीलिए अब ससुराल को भी बर्बाद कर रही है। ये बात सुनकर वरुण की माँ की अबीर को गुस्सा आएगा और वो ज़ोर से अपनी निधि मामी को टोंट मारता आएगा नज़र और कहेगा कि मामी आप जानती हैं आज मिष्टि पर ये सारे सवाल जो भी कर रहा है, ये जो भी बर्बादी हो रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये जानती हैं कि ये जो भी कुछ कहेंगी, मिष्टि से जो भी सवाल उठाएंगी, उस पर जो भी ब्लेम लगाएंगी, वो कोई भी सफाई देने के लिए मिष्टि के साथ खड़ा नहीं होने वाला। यानी कि सवाल क्यों उठा रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस घर में मिस्टी पर सवाल उठाकर घर में कोई भी नहीं है जो उसका साथ देगा। ये देखकर वरुण की माँ को बहुत तेज़ गुस्सा आएगा और वो मीनाक्षी जी से हाथ जोड़ कर ये कहती आएंगे नज़र कि बस बहुत हुआ, आपके बेटे ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, तैयारियाँ रोक दीजिए, अब ये शादी नहीं होगी। ये कहकर वरुण और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाएगा और सारा ब्लेम मिस्टी के सर आ जाएगा कि आखिर अबीर को मिस्टी की वजह से इस तरीके से उनसे बात करने की ज़रूरत क्या थी। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब मिस्टी और अबीर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे अपने रूम में जाकर तब क्या होगा। इस ट्विस्ट के बाद अगला टर्न ये हम आपको बताएंगे अपनी लग रिपोर्ट में। We'll be right back.